हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.5, दैट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स तक हमने एक्सरसाइज 6.5 से रिलेटेड जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल थे वो हमने कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 6.5 के सम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो पर बने रहना। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखो, एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। जस्ट आपको बोला है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट मैंने आपको इसके पहले के वीडियो लेक्चर में बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्मेट में रहेगा, या तो फिर dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q के फॉर्मेट में रहेगा, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। और उसे सॉल्व करने का मेथड आपको पता ही है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद सॉल्यूशन निकालना होता है बाय द फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो दिया है यहाँ पर, dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू है एक्स क्यू माइनस वाई। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। देखो, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, थोड़ा सा मैं इसे रीअरेंज करता हूँ। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स है ना, तो मैं देखो इसको 1 अपॉन एक्स इंटू वाई भी लिख सकता हूँ, और ये एक्स रेज टू 3 माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा। सेम थिंग मैंने लिखा है। अब जो अपना स्टैंडर्ड यानी कि जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ कंपेयरिंग, हाँ आई विल राइट हियर कंपेयरिंग विथ जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या रहता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस होता है देखो यहाँ पे पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो अगर आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको देखो यहाँ से पी का वैल्यू मिल जाएगा। पी मतलब वाई का कोएफिशिएंट, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। क्यू का वैल्यू मतलब राइट हैंड साइड का टर्म, तो ये हो जाएगा देखो आपका एक्स क्यूब माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर रहेगा। ये होने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो देखो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पे लिखूँगा p dx, ये फॉर्मूला होता है। सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, p की जगह आपको लिखना है 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू e रेज टू, तो e के पावर में इंटीग्रेशन 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया log x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x लिख दिया। अब देखो ये e का पावर log x है, और log का बेस नहीं दिया तो बेस e रहता है, तो log का प्रॉपर्टी है यहाँ पर भी बेस e है और log का भी बेस e है, दोनों सेम है, तो log के बाद जो फंक्शन रहेगा वो हमें लिख देना है, ये log का प्रॉपर्टी है। तो आपको देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका x हो गया है। अब मैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा, तो फॉर्मूला है उसका, तो आई विल राइट हियर सॉल्यूशन, हाँ हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, ठीक है मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। फॉर्मूला इसका होता है y मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन, हम यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्या आएगा q आएगा इंटू यहाँ पे आता है dx, और ये प्लस ही फॉर्मूला है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब जस्ट आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है, देखते क्या आता है सॉल्यूशन। तो ये जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देखो x मिला है तो हम लिखेंगे y इंटू x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ q, q का वैल्यू देखो यहाँ पे x रेज टू 3 माइनस 3 है, तो लिख दो यहाँ पर x रेज टू 3 माइनस 3, ठीक है, और इंटू ये dx आपका एज इट इज़ रहेगा प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज़। सिंप्लीफाई करना है, सो दिस विल बी y इंटू x इक्वल टू इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट ओपन करो तो x रेज टू 4 माइनस x, और ये प्लस c, सो दिस विल बी y इंटू x इक्वल टू, इंटीग्रेशन आपको आता ही है x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन, x रेज टू 5 अपॉन 5 हो जाएगा, x रेज टू n का फॉर्मूला, x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, माइनस देखो यहाँ पे 3 है x का इंटीग्रेशन, पता है आपको x स्क्वायर अपॉन 2 होता है, और ये प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका एज इट इज रहेगा। सो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5 अपॉन 5
माइनस 3/2 ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर आपने इतना लिखा तो भी करेक्ट है, बट अगर आपको और मॉडिफाई करना है तो एक स्टेप और कर लो, यहाँ तक किया तो भी यहाँ तक अगर आपने किया तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। अगर आपको और मॉडिफाई करना है तो एक्स वाई यहाँ पे रहने दो, बाकी टर्म को शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स रेस टू 5/5, यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा ये 3/2 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस सी इक्वल टू एज इट इज़ रहने दो, तो ये वैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो गया हमारा, सम जो है फर्स्ट सॉल्व हो गया। नाउ सी देखो सेकंड सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टैन एक्स। तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम dy by dx को यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो dy by dx के साथ में cos square x मल्टीप्लाइड है, तो वो हमें शिफ्ट करना होगा। तो मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, आई विल राइट हियर डिवाइड, हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड बोथ साइड बाय हम लिखते हैं cos square x। तो ये देखो cos फर्स्ट टर्म को अगर आप cos square x से डिवाइड करोगे cos square x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपका बचेगा dy अपॉन dx हो जाएगा। फिर प्लस देखो y को डिवाइड करना है cos square x से, तो हम लिख सकते हैं 1/cos² x (y) = ये देखो आपका tan x है और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या हो रहा है cos स्क्वायर x दिस वे। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस देखो 1/cos² x को हम sec² x लिख सकते हैं इंटू y है, एंड दिस इज इक्वल टू tan x एज इट इज़ रहेगा इंटू 1/cos² x। तो 1/cos² x को मैं लिख सकता हूँ sec² x, ऐसे में देखो लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। देखो ये फॉर्मेट है हमारे पास, सी हियर सिंस dy अपॉन dx प्लस हम यहाँ पे लिखते हैं py इक्वल टू q, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो आपको देखो p का वैल्यू मिलेगा, तो p इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से sec² x हो जाएगा, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ q, q का वैल्यू आएगा देखो आपका tan x इंटू दिस इज sec² x। और ये टाइप का जब डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो उसका सॉल्यूशन आपको पता है कैसे निकालना है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो देखो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e^(integration of)px। सो दिस इज इक्वल टू e^(integration of) p का वैल्यू क्या है देखो यहाँ पर sec² x है इंटू dx हो जाए। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, सो दिस इज इक्वल टू e^(integration of sec² x। आपको पता है sec² x किसका डेरिवेटिव है, tan x का डेरिवेटिव sec² x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec² x क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे e^(tan x) ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e^(tan x)। यहाँ तक देखो हमारा क्लियर हो गया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया है। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल गया देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर सॉल्यूशन, हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, हमारे पास फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला होता है y इंटू हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम यहाँ पे लिखते हैं q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू आएगा देखो यहाँ पे dx और ये प्लस सी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना मिला देखो हमें यहाँ से, ये हो जाएगा आपका देखो e^(tan x) हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, q का वैल्यू कितना है देखो यहाँ पर, q का वैल्यू हमें मिला हुआ है tan x इंटू sec² x। तो q का वैल्यू मैं लिखता हूँ tan x इंटू दिस इज sec² x इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e^(tan x) मैं लिखता हूँ देखो यहाँ पर e^(tan x) और ये हो जाएगा देखो आपका प्लस सी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो यहाँ पे tan x है और ये पावर में भी tan x है, और tan x का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है sec² x। तो अगर मैं tan x को t सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो sec² x dx चला जाएगा, वहाँ पे dt हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन ईजिली हमें मिल जाएगा मल्टीप्लीकेशन रूल से। सो हम क्या करेंगे, पुट tan x इक्वल टू t, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट tan x इक्वल टू टी, हाँ पुट tan x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा आपका देखो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। tan x का डेरिवेटिव आपको मालूम है sec² x होता है, और t का डेरिवेटिव कितना आएगा dt/dx आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा sec² x इंटू dx इक्वल टू देखो हो जाएगा ये dt हो जाएगा,
ठीक है, तो जो tan x इक्वल टू हमने t लिया है वो आपको सिर्फ इंटीग्रल पार्ट में पुट करना है, यहाँ पर आपको पुट नहीं करना है, ठीक है। सो देखते हैं हम इसे सिंप्लीफाई करके क्या आता है। सो दिस विल बी y इंटू e रेज टू tan x, तो आपका एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, नाउ सी यो, हमने tan x को t लिया है तो ये पार्ट तो आपका t हो गया, इंटू देखो यहाँ पे sec स्क्वायर x इंटू dx, sec स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर dx भी है, मैंने मिस कर दिया, देखो यहाँ पर sec स्क्वायर x इंटू dx, sec स्क्वायर x इंटू dx कितना आएगा, dt आएगा, यहाँ पे लिख दो आप dt मल्टीप्लाइड बाय, और ये देखो e रेज टू tan x है तो ये e रेज टू t हो जाएगा, दिस इज e रेज टू t और प्लस c तो आपको लिखना ही है, तो ये हो जाएगा आपका y इंटू देखो e रेज टू tan x इक्वल टू, अब इसमें हम u इंटू v रूल यूज़ करते हैं, एक्चुअली ये ऐसा हो गया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू e रेज टू t, और ये देखो आपका dt हो गया प्लस c हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय u इंटू v रूल। तो अगर आप लिएट का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे तो ये देखो आपका ये अल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो लिएट के ऑर्डर में पहले अल्जेब्रिक आता है बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी लिएट के ऑर्डर में पहले अल्जेब्रिक फंक्शन आता है बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये आपका यू रहेगा और ये ई रेज टू टी वी रहेगा, फॉर्मूला आपको पता ही है यू इंटू वी रूल इंटीग्रेशन का, तो मैं देखो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो ये वाई इंटू ई रेज टू टैन एक्स, तो ऐसे लिखते जाना है आपको, फॉर्मूले में पहले आता है यू, दैट मीन्स टी आएगा, इंटीग्रेशन वी आएगा, इंटू देखो यहाँ पर डी टी, फिर माइनस आएगा इंटीग्रेशन डी बाय डी टी ऑफ यू आता है, फिर इंटीग्रेशन वी आएगा इंटू डी टी, ब्रैकेट क्लोज कर दो और यहाँ पर लिख दो डी टी, और ये प्लस सी तो है ऑलरेडी, सिंप्लीफाई करते जाएंगे सॉल्यूशन हमें मिलेगा e रेस वाई इंटू ई रेस टू टैन एक्स इक्वल टू, दिस इज टी इंटू ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन पता है आपको, ई रेस टू टी आता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी, तो टी का डेरिवेटिव वन आएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी इज ई रेस टू टी, और यहाँ पर डी टी रहेगा और दिस इज प्लस सी एज इट इज़। देखो फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा y इंटू ई रेज टू टैन एक्स, ये तो एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू दिस इज t इंटू ई रेज टू t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू t, तो ई रेज टू t का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा सेम थिंग ई रेज टू t आएगा और ये प्लस c है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो थोड़ा मैं सिंप्लीफिकेशन कर दूंगा और t का वैल्यू री सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज y इंटू देखो ई रेज टू टैन एक्स है और ये e रेज टू t को मैं कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका t माइनस वन और ये प्लस c बच रहा है। सो दिस इज़ y इंटू e रेज टू tan x इज इक्वल टू e रेज टू t, हमने क्या अज्यूम किया था, हमने t के प्लेस पे लिया था देखो tan x लिया था, t को हमने यहाँ पे अज्यूम किया था tan x, तो t को रिप्लेस कर दो आप tan x से, तो देखो ये e रेज टू tan x हो जाएगा, ब्रैकेट में t है आपका tan x माइनस वन और ये प्लस सी, ये देखो फाइनल आंसर है, आपने इतना लिख दिया तो राइट है, बहुत ज़्यादा इसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये फाइनल आंसर है, हमारा सम सॉल्व हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x प्लस टू वाई द होल x प्लस टू वाई क्यूब है इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई दिया है, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, आइदर हम इसे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखेंगे या तो हम इसे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखें, देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा कि डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से सेपरेट हो जाए, ठीक है, तो अगर मैं देखो डी वाई अपॉन डी एक्स को यहाँ पर रखता हूँ और ये वाई मल्टीप्लाइड है यहाँ पर आकर के डिवाइड हो जाएगा, दिस इज एक्स प्लस टू वाई द होल क्यूब, देखो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डी वाई अपॉन डी एक्स या तो डी एक्स अपॉन डी वाई आना चाहिए, बट यहाँ पर देखो एक्स और वाई वेरिएबल मिक्स आ रहा है, सेपरेट नहीं हो पा रहा है, तो अगर मैं ये वाई को ला दूँ डिनोमिनेटर में और ये टर्म को लेकर के जाऊँ न्यूमरेटर में तो वो स्प्लिट हो जाएगा, तो वहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो मैं क्या करता हूँ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन देखो डी वाई हो जाएगा इज इक्वल टू ये जाएगा न्यूमरेटर में तो एक्स प्लस टू वाई द होल क्यूब अपॉन देखो यहाँ पे वाई है, अब मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू सेपरेट करो तो एक्स अपॉन वाई प्लस देखो ये टू वाई क्यूब डिवाइड बाई वाई हो जाएगा, सो दिस इज डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू इसे मैं देखो लिखता हूँ वन अपॉन वाई इंटू एक्स करके भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, और ये प्लस हो गया आपका वाई कैंसिल होगा तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, सो दिस इज टू वाई स्क्वायर हो गया,
सो दिस आई कैन राइट डी एक्स अपॉन डी वाई, ये टर्म को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो माइनस वन अपॉन वाई इन टू एक्स हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो मैं इसे कंपेयर करता हूँ, तो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग, हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे आप, कंपेयरिंग विथ डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस हम यहाँ पे लिखते हैं पी एक्स इक्वल टू क्यू, इसे मैं कंपेयर करूँगा। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूँगा देखता हूँ क्या आता है, तो ये हो जाएगा आपका देयर फोर पी का वैल्यू मतलब क्या आएगा एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है माइनस वन अपॉन वाई, हाँ साइन के साथ में आता है माइनस वन अपॉन वाई, और क्यू जो है वो राइट हैंड साइड का वैल्यू रहता है, तो क्यू क्या है टू वाई स्क्वायर है, हम यहाँ पर लिख देंगे टू वाई स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है वो डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो मैं यहाँ पे देखो लिखूँगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ पे पी डी वाई लिखते हैं। अगर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स रहेगा तो हम यहाँ पे पी डी एक्स लिखते हैं, और अगर आपका डी एक्स और अगर डी एक्स अपॉन डी वाई है तो हम यहाँ पे पी डी वाई लिखते हैं। सब्स्टिट्यूट करता हूँ देखो मैं यहाँ पे वैल्यू, सो दिस इज इक्वल हो जाएगा ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी का कितना दिया है वैल्यू, पी का वैल्यू हमें कितना दिया है माइनस वन बाय वाई, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन वाई इंटू डी वाई, सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई इंटू डी वाई, सो दिस इज ई रेज टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वाई, तो वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन आपको पता है लॉग वाई होता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लॉग वाई दिस वे, सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू, यहाँ पे माइनस वन मतलब माइनस मतलब माइनस वन भी ले सकते हैं हम लोग, तो इसे देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग ऑफ वाई का पावर माइनस वन हो जाएगा, बिकॉज अगर ये माइनस को मुझे यहाँ से रिमूव करना है तो हम लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज़ करेंगे, ठीक है, तो माइनस वन जो है पावर में चला जाएगा वाई के। अब यहाँ पर ई है और लॉग का बेस भी आपको पता है ई रहता है, तो प्रॉपर्टी है लॉग का ये ई लॉग ई निकल जाएगा और सिंपली यहाँ पर बचेगा आपका वाई रेज टू माइनस वन, यानी कि ये वन अपॉन वाई बचेगा, सो दिस इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ तक समझा रहेगा आपको, तो ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है। अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर सॉल्यूशन, हाँ देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू लिखते हैं हम यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू होता है डी वाई प्लस, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो मैं देखो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो दिस विल बी एक्स इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन वाई है, तो लिख दो यहाँ पर वन अपॉन वाई इज इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू का वैल्यू कितना है टू वाई स्क्वायर है क्यू का वैल्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन वाई मिला है और ये डी वाई रहेगा और प्लस सी यहाँ पर रहता ही है फॉर्मूले में, सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये हमें मिलेगा एक्स अपॉन वाई इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट बाहर ले लो इंटीग्रेशन ऑफ ये वाई देखो स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे सिंपली आपको बचेगा वाई इंटू डी वाई एंड दिस इज प्लस सी, तो ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टू इंटू वाई का इंटीग्रेशन पता है आपको एक्स रेज टू एन के फॉर्मूले से, तो वाई का पावर वन है तो वाई का इंटीग्रेशन आएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू वाई स्क्वायर अपॉन टू और ये प्लस सी रहेगा टू टू आपका कैंसिल हो गया तो हमें मिल रहा है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी मिल रहा है। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये पूरे को अपॉन वन ले सकते हो आप, तो ये जाएगा एक्स इक्वल टू वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा वाई इंटू दिस इज वाई स्क्वायर प्लस सी, तो ये देखो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो थर्ड सब क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। देखो फोर्थ सब क्वेश्चन हमें दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक एक्स इक्वल टू टैन एक्स, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मिल रहा है, थोड़ा सा मैं इसे रीअरेंज कर देता हूँ, देखो ये आपका है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेक एक्स फिर वाई लिखता हूँ एंड दिस इज इक्वल टू टैन एक्स, तो गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है तो हम इसे कंपेयर करते हैं, देखो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग कंपेयरिंग विथ, जनरल फॉर्म क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस होता है पी वाई इक्वल टू क्यू, ये जनरल फॉर्म है,
तो अगर आप इससे कंपेयर करोगे ना तो यहाँ से आपको पी और क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। पी मतलब वो वाई का कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे देखो वाई का कोएफिशिएंट है सेक एक्स, तो पी का वैल्यू हो गया सेक एक्स। क्यू मतलब होता है राइट हैंड साइड का जो भी फंक्शन है वो लिखना है, तो क्यू का वैल्यू देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा टैन एक्स, पी और क्यू का वैल्यू हो गया। आफ्टर दैट हम फाइंड आउट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है, दिस इज इक्वल टू होता है, ये देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है ई रेस टू पावर में इंटीग्रेशन पी इंटू डी एक्स लिखते हैं हम, ये फॉर्मूला है। सो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू पावर में इंटीग्रेशन पी कितना है देखो यहाँ पे सेक एक्स दिया है, तो लिख दो सेक एक्स इंटू, ये हो जाएगा आपका डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू ई रेस टू, सेक एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस टैन एक्स, देखो ये इसका फॉर्मूला होता है दिस वे। अब यहाँ पे लॉग का बेस कुछ भी नहीं, मतलब ई है वो नेचुरल बेस है, तो जब लॉग का प्रॉपर्टी आप यूज़ करोगे ना तो ये ई लॉग और ये ई चला जाएगा, लॉग के बाद जो भी फंक्शन है उसे हम लिख लेते हैं, तो लॉग के बाद का फंक्शन क्या है सेक एक्स प्लस टैन एक्स है। अगर आपने मॉड नहीं लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप ब्रैकेट लिख सकते हो, ठीक है। दिस वे ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया है, अब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो आई विल राइट हियर देयर फॉर सोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे देयर फॉर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है y इंटू हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, आपको यहाँ पे लिखना है q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू लिखोगे आप dx, और ये प्लस ही हो जाएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये स्ट्रेट अवे फॉर्मूला आपको बाय हार्ट रखना है, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो y इंटू, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है sec x प्लस tan x मिला है, दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, q का वैल्यू देखो हमें यहाँ पर मिला हुआ है, q का वैल्यू tan x है, तो मैं यहाँ पे देखो लिख देता हूँ tan x इंटू ब्रैकेट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है आपका sec x प्लस देखो यहाँ पर tan x, और ये प्लस ही तो रहने वाला है यहाँ पर। सो ये हो जाएगा y इंटू सेक एक्स प्लस टैन एक्स, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके उसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखो राइट हैंड साइड में क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन मैंने देखो यहाँ पे मिस किया, dx भी है यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन टैन एक्स से ब्रैकेट ओपन करो, तो टैन एक्स इंटू सेक एक्स हम इसे लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ठीक है, प्लस देखो टैन एक्स इंटू टैन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पर लिख दो डी एक्स, और ये प्लस सी है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है, वाई इंटू दिस इज सेक एक्स प्लस हो जाएगा देखो ये टैन एक्स हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब दोनों का इंटीग्रेशन हमें निकालना है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो अभी तो फिलहाल मैं इसे ऐसे लिखता हूँ सेक एक्स इंटू, यहाँ पर मल्टीप्लाइड है सेक एक्स इंटू टैन एक्स है, और ये देखो आपका प्लस, टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम है, तो हम टैन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। हमें पता है वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वन प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, तो टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ये पूरे को डी एक्स है इंटीग्रेट करना है हमें, और ये प्लस सी एज इट इज़। सो लेफ्ट हैंड साइड तो आपको वैसे ही लिखते जाना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ये देखो जगह आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स, हाँ तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन हमें मालूम है बिकॉज सेक एक्स इंटू टैन एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स हो जाएगा सेक एक्स, तो ये हमने लिख दिया सेक एक्स, और फिर ये प्लस देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स टैन एक्स का डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा टैन एक्स हो जाएगा दिस पे, और माइनस वन, माइनस वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस एक्स आएगा, और ये देखो आपका हो गया प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो दिस इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे विच इज़ द जनरल सॉल्यूशन, हाँ विच इज़ द जनरल सॉल्यूशन लिख दो यहाँ पे, विच इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हाँ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा जो फोर्थ सब क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पर x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस टू वाई इक्वल एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम ये x को यहाँ से रिमूव करेंगे डी वाई बाई डी एक्स के पास से, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो x को रिमूव करने के लिए बोथ साइड ईच टर्म को हम x से डिवाइड करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइड डिवाइड लिखेंगे बोथ साइड बाय x लिखता हूँ मैं। तो इसको x से डिवाइड करोगे x आपका कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा वो। तो यहाँ पे dy वाई बाई डी एक्स आएगा प्लस देखो यहाँ पे x से डिवाइड करो तो यहाँ पर क्या दिया है देखो आपको 2y डिवाइड बाई x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डिवाइड बाई x कर दो x x ये कैंसिल हो जाएगा। सो हमें यहाँ से मिलेगा dy अपॉन dx प्लस देखो मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ 2 अपॉन x इंटू y लिखता हूँ दिस वे इज इक्वल टू यहाँ पर आपको बच रहा है x इंटू लॉग x। अब जो हमारा स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम कंपेयर करते हैं। सो मैं देखो यहाँ पे लिखूँगा कंपेयरिंग हाँ आई विल राइट हियर कंपेयरिंग विथ लिखूँगा मैं यहाँ पे कंपेयरिंग विथ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस देखो यहाँ पे पी वाई इक्वल टू क्यू मैं इसे कंपेयर करूँगा। तो यहाँ से देखो मुझे पी का वैल्यू मिल जाएगा। पी का मतलब होता है वाई का कोएफिशिएंट कितना है 2 अपॉन एक्स। तो p का वैल्यू 2 अपॉन x हो जाएगा और q का वैल्यू कितना मिलेगा मुझे देखो यहाँ से x इंटू लॉग एक्स मिल जाएगा। आफ्टर दैट हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मैं देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता हूँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको पता है ये होता है e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज p इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ जहाँ पर p है वहाँ पर आप क्या लिखोगे p के प्लेस पे हम लिखेंगे देखो 2 बाई एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना आता है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन x। तो 2 बाहर आएगा इंटीग्रेशन के एंड यहाँ पर बचेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा log x हो जाएगा ये, ठीक है। थोड़ा और मैं इसे मॉडिफाई करता हूँ। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू लॉग का प्रॉपर्टी हाँ 2 मल्टीप्लाइड है ना तो वो x के पावर में चला जाएगा और भी थोड़ा सिंप्लीफाई होगा लॉग के प्रॉपर्टी से। यहाँ पर बेस e है और लॉग का बेस भी e रहता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e log e जाता है एक्स स्क्वायर बचता है यहाँ पर हाँ ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। लॉग का प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ किया है तो वी गॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज एक्स स्क्वायर। एक बार आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर सॉल्यूशन तो उसके बाद आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो आई विल राइट हियर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला होता है y इंटू देखो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर आता है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू यहाँ पर हो जाएगा dx और ये प्लस c ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इंटीग्रेट करेंगे इसे। तो देखो ये y एज इट इज़ रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिला है एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन q का वैल्यू देखो यहाँ पर दिया है x इंटू लॉग x। तो लिख दो यहाँ पर x इंटू लॉग x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर इंटू आपका ये dx प्लस c। सो दिस आई कैन राइट y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन x इंटू एक्स स्क्वायर तो ये देखो x क्यूब हो जाएगा इंटू देखो यहाँ पर log x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब इसका इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मेथड से निकालेंगे बिकॉज दो डिफरेंट फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर आप रूल यूज़ करोगे लीएड का देखो L I A T E रूल देखो आपका लीएड का। तो लीएट में जो है लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है अलजेब्रिक बाद में आ रहा है बिकॉज ये लॉगरिथमिक है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है आपका। तो जो पहले आएगा ऑर्डर में उसे हम यू लेते हैं जो बाद में आएगा उसे हम वी लेते हैं। तो ऑर्डर में पहले ये आ रहा है ठीक है बिकॉज ये देखो लॉगरिथमिक है और यहाँ पर आपका अलजेब्रिक है देश में तो ये यू रहेगा और ये आपका वी रहेगा। फॉर्मूला आपको यूज़ करना है आंसर मिल जाएगा।
तो हम लिखेंगे y इंटू देखो x स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है, u इंटू v रूल, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले हम u लेते हैं, तो u का मतलब क्या हो गया, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, v मीन्स x रेज टू 3 इंटू dx, फिर माइनस आएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं d बाय dx ऑफ u, दैट मीन्स log x लिखोगे आप यहाँ पे, इंटू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, हम लिखते हैं v, v का मतलब कितना हो गया, x रेज टू 3 इंटू डी एक्स क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पर dx आएगा। तो जस्ट मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन v dx द होल dx। सिंप्लीफाई करते जाओ, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो y इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका देखो log x है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3, तो x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन x रेज टू n के फॉर्मूले से आएगा, x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x रेज टू 4 अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा d बाय dx ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3, x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 4 अपॉन 4, और ये देखो आपका इंटू dx एज इट इज रहेगा। मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, प्लस सी यहाँ पर है, मैंने मिस कर दिया लिखना, यहाँ पे प्लस सी, सिंप्लीफाई करते जाओ, तो ये हो जाएगा आपका y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज log x इंटू एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाई देखो 4, माइनस है 1/4 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन कुछ कैंसिलेशन होगा, ये देखो आपका x कैंसिल होगा, यहाँ पे पावर सिर्फ 3 बचेगा, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 इंटू dx, और ये प्लस सी हो गया। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ इसे, ये हो जाएगा y x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पे लिखता हूँ मैं x रेज टू 4 इंटू देखो ये log x माइनस 1/4 इंटू x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन आपको पता है x रेज टू n का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x रेज टू 3 का इंटीग्रेशन आएगा x रेज टू 4 अपॉन 4, और ये देखो आपका प्लस सी। थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, सो दिस विल बी y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x रेज टू 4 इंटू देखो यहाँ पे log x है डिवाइड बाई 4 हो गया, और ये माइनस x रेज टू 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 4 किया तो 16 प्लस सी। अगर आपने इतना लिखा तो भी राइट है, और आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो x रेज टू 4 अपॉन 4 को कॉमन भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर इतना किया तो भी आपका राइट रहेगा। तो ये फाइनल आंसर है, हमने सम सॉल्व कर दिया। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन आपको दिया है, यहाँ पर x प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 दिया है, तो हम इसे ट्राई करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का, आइदर हम इसे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, या तो हम इसे डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, देखते कैसे मिलता है हमें यहाँ पर। देखो यहाँ पर आपका डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स हमें पता है कि dy वाई बाई डी एक्स आपको सेपरेट लिखना होता है, उसके साथ में कोई भी x या y का फंक्शन मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए, तो कन्वर्ट होगा वो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो x प्लस वाई मल्टीप्लाइड है ना, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ इसे, तो देखो आपका 1 अपॉन x प्लस वाई हो जाएगा। अभी भी देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो हम इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए ना, अब यहाँ से देखो आप x और y को सेपरेट नहीं कर सकते हो, और जब तक आपका x और y सेपरेट नहीं होगा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड मैं करता हूँ। तो ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1। अब मैं इसे देखो रीअरेंज कर देता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई, ये जो प्लस एक्स है प्लस एक्स को मैं शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस एक्स हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर वाई बचेगा। अब हमारे पास जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो मैं इसे लिखता हूँ कंपेयरिंग, हाँ सो आई विल राइट हियर कंपेयरिंग विथ, हाँ आप यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग विथ डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस होता है पी एक्स इक्वल टू क्यू, इससे हम कंपेयर करेंगे तो हमें देखो यहाँ से पी का वैल्यू मिल जाएगा, पी का वैल्यू मतलब वो एक्स का कोएफिशिएंट माइनस वन मिलेगा, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्यू, आपको देखो वाई मिल रहा है, पी मिल गया क्यू मिल गया, अब आप इजीली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता ही है ई रेज टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर आएगा आपका देखो पी इंटू डी वाई आएगा, ठीक है।
सो वैल्यू पुट करो ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ पी का वैल्यू कितना है माइनस वन इंटू देखो ये डी वाई सो दिस इज इक्वल टू ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन तो वन का इंटीग्रेशन वाई होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई दैट मीन्स माइनस वाई आएगा तो लिख दो माइनस वाई सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया हमें ई रेज टू माइनस वाई मिल गया है ये आप ध्यान में रखो ठीक है इतना समझा देगा आपको एक बार आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर सॉल्यूशन आई विल राइट हियर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय फॉर्मूला तो मैंने आपको दिया है ऑलरेडी फॉर्मूला होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ देखो हम यहाँ पे लिखना है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू आएगा देखो आपका ये डी वाई और प्लस c आएगा ये फॉर्मूला है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सो दिस विल बी x इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू माइनस वाई तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ e रेज टू माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन q का वैल्यू हमने कितना निकाला है q का वैल्यू देखो y निकाला है तो यहाँ पे y लिख दो इंटू व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू माइनस वाई इंटू डी वाई और ये प्लस c आएगा सो दिस विल बी x इंटू ई रेज टू माइनस वाई इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम मल्टीप्लीकेशन रूल यूज़ करेंगे बिकॉज दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है y इंटू ई रेज टू माइनस वाई तो y आपका लीनियर फंक्शन है सॉरी y आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और e रेज टू माइनस वाई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ठीक है और आपको ये लिएट का रूल तो पता है l i a t e तो इस ऑर्डर में जो फंक्शन पहले आएगा उसे हम u लेते हैं और जो बाद में आएगा उसे v लेते हैं तो a पहले आ रहा है और बाद में e आ रहा है तो ये u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा फॉर्मूला आपको पता ही है फॉर्मूला होता है u तो पहले हम लिखेंगे u इंटीग्रेशन ऑफ v e रेज टू माइनस वाई डी वाई फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय डी वाई ऑफ u तो u कितना है देखो यहाँ पे y है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v e रेज टू माइनस वाई डी वाई ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे आपको लिखना है dy तो सिंपली मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v रूल अप्लाई किया है सिंप्लीफाई करते जाओ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको तो x इंटू ई रेज टू माइनस वाई इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस वाई तो ई रेज टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस वाई होता है अपॉन डेरिवेटिव ऑफ माइनस वाई तो माइनस वन हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y तो वन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस वाई तो ई रेज टू माइनस वाई अपॉन आएगा देखो माइनस वन इंटू ये डी वाई रहेगा बिकॉज इंटीग्रेट करना बाकी है अभी आपका सो दिस विल बी एक्स इंटू ई रेज टू माइनस वाई और ये माइनस वाई ई रेज टू माइनस वाई हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू माइनस वाई बचेगा और ई रेज टू माइनस वाई का इंटीग्रेशन ई रेज टू माइनस वाई अपॉन डेरिवेटिव ऑफ माइनस वाई तो माइनस वन आएगा और मैंने देखो प्लस सी यहाँ पर मिस किया है लिखना प्लस सी तो आपका रहेगा ही कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन थोड़ा और मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ ये हो जाएगा x इंटू ई रेज टू माइनस वाई इक्वल टू माइनस वाई ई रेज टू माइनस वाई प्लस माइनस माइनस ई रेज टू माइनस वाई और ये प्लस सी इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ देखते क्या होता है यहाँ से मिलता है थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करता हूँ सी हियर x इंटू ई रेज टू माइनस वाई है राइट हैंड साइड का ना ये दोनों टर्म में शिफ्ट करता हूँ तो वो पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा आपको प्लस वाई इंटू देखो ई रेज टू माइनस वाई प्लस देखो ई रेज टू माइनस वाई और इक्वल टू यहाँ पे सी बचेगा अगर आपको बोथ साइड ई रेज सी अगर आपको ये ई रेज टू माइनस देखो ई रेज टू माइनस वाई तीनों भी टर्म में है तो मैं क्या करता हूँ ई रेज टू माइनस वाई को कॉमन ले लेता हूँ तो अगर मैं ई रेज टू माइनस वाई कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू सी बचेगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू ई रेज टू माइनस वाई को वहाँ पर अगर आपने शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा सी अपॉन ई रेज टू माइनस वाई तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू सी इंटू ई रेज टू माइनस वाई जाएगा न्यूमरेटर में तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा सो दिस विल बी ई रेज टू प्लस वाई तो ये देखो हमारा सिंप्लीफाइड आंसर है सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमने सिक्स्थ सब क्वेश्चन भी देखो यहाँ पर सॉल्व कर दिया है सो माय डियर स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 सब क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा
और आज का वीडियो अगर आपको अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।